सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:45 और हम निकले हैं हमारे काम पे। आज कुछ मीटिंग्स है और आज कुछ एक पेंडिंग काम है। आशा करता हूँ वो पेंडिंग काम आज पूरा हो जाए। तो दोस्तों, हमको जिनसे मिलना है उनका हम कर रहे हैं इंतजार। गर्मी पड़ रही है बहुत, मतलब दिसंबर के महीने में यहाँ कुछ उत्तराखंड के रीजन में धूप ऐसी कैड़ी आ रही है, इतनी तेज धूप आ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब थोड़ी देर आप धूप में खड़े रहो ना और आपको हवा नहीं लगे तो वो हिस्सा आपका जल जाए थोड़ी बहुत देर में। अभी मेरे सुनने में आया है कि कुछ रीजन्स में ना इतनी जोर का कोहरा पड़ रहा है कि अभी कुछ गाड़ियों के एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। आपने, हो सकता है अगर न्यूज़ वगैरह देखी हो या पेपर पढ़े हो तो उसमें आपको पता चला होगा कि कुछ 20-25 गाड़ियाँ एक साथ लाइन बाई लाइन ठुक गई एक हाईवे पे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, भैया अगर आप ऐसे एरिया में चल रहे हैं, मतलब हाईवे पे चल रहे हैं, एक्सप्रेसवेज पे चल रहे हैं, तो कृपया करके सबसे जो धीमी गति वाली जो लेन होती है, जो कि सबसे लेफ्ट की होती है, उसमें गाड़ी चलाइए। आप पार्किंग लाइट्स ऑन करके गाड़ी चलाइए और कोशिश करिए कि ऐसा टाइम अवॉइड करें, मतलब अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स आप अवॉइड करें कि जिसकी वजह से आपको कोहरा ना मिले, धूप मिले। तो धूप में गाड़ी चलाएं, ध्यान से गाड़ी चलाएं। और एक और चीज़, अभी हमारे पास एक मथुरा से वीडियो आया है बहुत जोर का, जिसमें इतनी जोर का कोहरा पड़ रहा है कि आगे के 2 मीटर के बाद का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये समझने की बात है कि प्रकृति का खेल देखिए या प्रकृति का इंतजाम देखिए। जिस रीजन में कम सर्दी पड़नी चाहिए, कम कोहरा या कुछ इस तरह से पड़ना चाहिए, वहाँ कोहरा बहुत पड़ रहा है, सर्दी बहुत पड़ रही है। जैसे मैं मथुरा की बात करूँ और यहाँ उत्तराखंड में, जहाँ पे एक बढ़िया अच्छी जबरदस्त ठंड होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली टू उन वाले रीजन्स में, तो यहाँ पे ऐसी जोर की धूप पड़ रही है इतने दिनों से लगातार, बहुत करारी और बहुत जोर की धूप। मतलब पापड़ सुखा लो, पापड़ आपके पक जाएंगे एक ही धूप के अंदर। एक ही दिन में आपके सारे आलू के पापड़, सारे पापड़ आपके बढ़िया तरह से पक पका के रेडी हो जाएंगे। ये भगवान क्या जुलुम है। तो इसके लिए मुझे लगता है हम ही सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेचर का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया है। कोई भी मौसम कभी भी टपक जाता है। अब आपको कुछ नहीं मालूम है कि कब बारिश हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मालूम है कब कोहरा पड़ने लग जाएगा, आपको कुछ नहीं मालूम है कब धूप निकलेगी। पुराने जमाने में कम से कम होता तो कि भाई साहब सर्दी का मौसम है, अब 2 महीने तो 2 महीने आप पूरे तरह से ठुस के गर्म कपड़े इनर विनर पहन पुन के चलो। यहाँ सुबह इनर पहन ही आओ तो इतनी तेज धूप लगती है कि भैया फिर ऐसा अफसोस होता है कि जो इनर क्यों पहन लिया। और ऐसा हो रहा है कि कुछ जगहों पे, तो मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया से बाहर की, कि वहां पे भैया सालों सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं ठंड के, सालों सालों के। जैसे अभी मैंने एक अमेरिका का वीडियो देखा था कि वहां पे भाई साहब माइनस में पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर चला गया है, बर्फ जम गई है, 6-6, 7-7, 8-8 इंची लोगों के घर के बाहर, वहाँ पे सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और क्या कहते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और एक जगह मैंने अभी पढ़ा कि वहाँ पे जिस एरिया में बर्फ नहीं पड़ा करती थी, वहाँ बर्फ पड़ने लग गई है। इंडिया के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जगह मुझे याद नहीं है। वहाँ पे अभी एक गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ था जिसकी गाड़ी की पूरी छत बर्फ से ढक गई थी, आधा आधा इंची पूरी बर्फ से ढक गई थी, जहाँ बर्फ पड़नी नहीं चाहिए। भाई साहब इतनी तेज धूप पड़ रही है, 25-30 मिनट बैठा, मेरी तो एक जांग जल गई बुरी तरह। जलन होने लग रही है, आपको दिखाऊं कितनी धूप हो रही है। देखो मेरी गाड़ी उधर खड़ी है और इतनी तेज धूप हो रही है इसका कोई हिसाब नहीं। गाड़ी वो खड़ी है, वो आपको दिख रही होगी, और मैं जूम करके दिखाता हूँ। धूप देखो आप, शीशा देख रहे हो आप, ऐसी जोर की धूप चल रही है। कोई कह सकता है कि ये मतलब उत्तराखंड में है हम इस समय दिसंबर के महीने, वो भी दिसंबर के एंड में, क्रिसमस के बाद। तो हमें अभी मिला थोड़ा सा टाइम और हमने 2 आलू के पराठे खाए यहाँ पे। एक मेन स्ट्रीट फूड करके है यहाँ पे, मगर भैया बहुत अच्छे हैं। आलू के पराठे उनके मेन्यू में भी नहीं थे, पर मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने आलू के पराठे भी बना दिए हमारे लिए। अच्छा घर जैसा खाना खा लिया, जैसे थोड़ी जान आएगी काम करने के लिए, चल रहे हैं वापस। जिन आदमी से मिलना है उनका फिर वेट करते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी चल रही है प्रतीक्षा, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये हमारी परीक्षा है। तो हमने अभी अपने गाड़ी को ही हमारा कार्य, क्या कहते हैं, ऑफिस बना लिया है। हम लगे हुए हमारे काम में, जैसे हमारा काम रुके नहीं। मगर एक खुशी की बात है जो हम सभी के साथ में बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे अब 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मतलब अब ये फैमिली 100 लोगों की हो गई है, तो अच्छा लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि मतलब एक कम टाइम में ठीक मुकाम हासिल हो गया है। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 सब्सक्राइबर तो बहुत छोटे होते हैं, बट जब यूनिक्स हमें स्टार्ट किया था तब इस रेट से यूनिक्स हमें ग्रो नहीं हुआ था, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। मतलब
तो हफ्ते में 100 सब्सक्राइबर होना मेरे लिए पर्टिकुलरली बड़ी चीज़ है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा। जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग हमारा चैनल रेगुलरली वॉच करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर लगता है कि मतलब डेली फैमिली लाइफ से रिलेटेबल चीज़ है ना, तो आप उसे कृपया करके वीडियोज़ को, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको शेयर ज़रूर करिए। और जो आपके घर परिवार वाले मिलने वाले उनको एक बार आप कहिए कि चैनल अगर उनको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस आप लोगों का साथ रहेगा तो यही 100 के पीछे कई सारी जीरो शायद लग जाएंगी, तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आज का दिन तो ये माना जाए कि यूटिलाइज नहीं हुआ, बट मेहनत तो हमने करी है, तो हम अपने आप को शाबाशी देते हैं। अब हम कुछ सब्जियां खरीदेंगे, सब्जियां खरीद के हम जाएंगे घर। अभी बज रहे हैं रात के 9:15। 1% हो सकता है कि आज हम आपको कोई व्लॉग नहीं दे पाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे बहुत बहुत, क्योंकि आज थोड़ा थक गए हैं। तो देखते हैं अभी एडिटिंग का क्या होता है, तो मैं पहले ही आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ उस चीज़ के लिए, पर कोशिश तो यही है कि आज का व्लॉग भी हम डाल दें, डल जाए। एक मैंने वीडियो देखा था, काफ़ी दिन पहले देखा था, आज दोबारा देखा तो बड़ा मन मेरा खुश हो गया। हो सकता है आपने देखा हो, नहीं देखा होगा तो मैं अभी ये दिखाऊंगा, उसकी मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ। एक भाई है, मतलब वो जनरली मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा, तो बहुत प्यारी जबरदस्त एक्टिंग करी उस बंदे ने। वो कहता है, हेलो गाइस, कैसे गाइस, गाइस अंकल पीछे जा रहे हैं, गाइस अंकल ने हेलमेट लगा रखा है, गाइस गाइस अंकल के पास मोटरसाइकिल तो है ही नहीं, गाइस पता नहीं अंकल ने बिना मोटरसाइकिल के हेलमेट क्यों लगा रखा है, गाइस अभी तो मैं आ गया हूँ, गाइस जब जाऊंगा तब पूछूंगा, गाइस ओके गाइस थैंक यू गाइस। अरे भाई साहब, वेलकम टू माई ब्लॉग गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं, अंकल मिले हैं, इनके पास बाइक नहीं है पर ये हेलमेट लगा के जा रहे हैं। गाइस इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा गाइस कि ये हेलमेट लगा के पैदल जा रहे हैं, गाइस ओके गाइस अभी जाऊंगा तो पूछ। जबरदस्त वीडियो, मतलब आज कल क्रिएटिविटी का जवाब नहीं है। मैं हैट्स ऑफ करूंगा उन सब लोगों को, सब भाई बहनों को जो किसी ना किसी एंड पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, सबको हेड्स ऑफ है। और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आप लोग बनाते हो, लिटरली मैं आप लोगों के कंटेंट जो आप बनाते हो उसके तो मैं समझता हूँ 1% भी नहीं होगा। तो आप लोगों के कंटेंट को देख के मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ यूनिक समय को एज एन प्रमोट किया है, और व्लॉगिंग बिल्कुल एक हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म कह लीजिए जिसको हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम यूज़ टू अभी है भी नहीं। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, जो कि मैं शूट नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा हेजिटेशन होता है कि ये शूट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो हो सकता है धीरे धीरे हेजिटेशन समय के साथ जाने लग जाएगा, तो और अच्छे अच्छे हम व्लॉग बनाने लग जाएंगे। बट जिस बंदे ने ये शूट किया है, ये जो वीडियो किया है, मेरी तरफ से भाई उसको हुर्रा। मेरी तरफ से उसको मतलब बेस्ट ऑफ लक भाई, बहुत ग्रो करो। तो सब्जी वगैरह हमने ले ली है, कन्फेक्शनरी की दुकान हो गई थी बंद, एक सामान और ले ला था तो वो रह गया है अभी। देखते हैं हमारी होम मिनिस्टर क्या कहेंगी, वैसे तो कुछ नहीं कहेंगी, बट वो छोटे बच्चों वाली आदत है ना कि कुछ उंगली करने का मजा आता है। यहाँ पे बाल ये इसमें कॉरिडोर में एक इन वो लाइट है, क्या कहते हैं आपकी सेंसर वाली लाइट, तो अभी अंधेरा हो रखा है। मुझे बड़े मजे आते हैं कि इसमें कहाँ पैर रखेंगे जब ये जलेगी। देखो मैं खड़ा हूँ, यहीं जल गई है, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मतलब इसने मस्ती नहीं करने की लाइट को, ये रहा सेंसर, ये बहुत दूर से सेंसर काम कर जाता। अब पहले हमारे टाइम पे कहाँ हुआ करती थी ऐसी लाइटें, ये तो हमारे लगती सेंसर वाली लाइट है। हमारे बचपन में तो जाके कोई बटन बंद करो और वो भी काम का नहीं होता था। अब तो अभी बिजली आने लगी, पहले तो बिजली आती ही नहीं थी, कितने कितने दिन हो जाते थे बिजली आती ही नहीं थी। अगर बारिश हो गई तो बिजली आएगी नहीं जब तक बारिश बंद होगी, उसके बाद ठीक होंगी सारी चीज़ें। अब तो बहुत सुविधा हो गई है। अरे नहीं नहीं भाई छोड़िए, आराम से जाते हैं, नहीं जल्दी से नींबू लेके आते हैं, सोडा पी के घर जाते हैं भाई। अरे मेहता साहब आप तो डबल डबल किया, दोनों तरफ से बात करते हैं। तो दोस्तों अब हो गई है रात, हमने खाना खा लिया है, आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।